How to fix brightness too dim problem in any OnePlus series. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ब्राइटनेस के इशू को फिक्स कर सकते हैं अपने OnePlus के डिवाइस में। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे ऑटो ब्राइटनेस के रिलेटेड में, तो आपको दोस्तों मैं कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो अगर दोस्तों आपके जो मोबाइल के ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट कीजिएगा। उसके लिए आपको पावर बटन पे प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद आपको पावर ऑफ के जो बटन दिखाई दे रहा है उसमें 2 सेकेंड प्रेस करके रखना है और ओके कर देना है। इससे आपके मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा। ठीक है, ओके करना है। एंड आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे सेटिंग पर जाना है। आप दोस्तों डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए एंड एडेप्टिव ब्राइटनेस की जगह पर आप यूज़ कीजिए स्लाइडर मैनुअल ब्राइटनेस सेटिंग। ठीक है, तो आप इसमें खुद से ही इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइडर की मदद से आप इसको सेट कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों एडेप्टिव ब्राइटनेस यानी कि ऑटो ब्राइटनेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जो यहाँ पे सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, आप बाहर पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, कई बार अंदर पे आओगे तो दोस्तों ब्राइटनेस जो है सेम ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके का मिसबिहेव करते हैं, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, और एडेप्टिव ब्राइटनेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको ब्राइटनेस के काफ़ी ज़्यादा इशू है तो एडेप्टिव ब्राइटनेस को आपको यूज़ नहीं करना है डायरेक्टली। ठीक है, अगर ये जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है यहाँ से काम नहीं कर रहा है तो आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सिस्टम पर जाइए, सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। ठीक है, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए एंड देन चेकआउट करके देख सकते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस के कुछ एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर में जाइए और ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग आप इंस्टॉल कीजिए और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और वो अच्छे से काम भी करेगा। ठीक है, तो अगर आपका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी डिम हो रहा है तो आपको रिबूट कर देना है। साथ ही साथ अपने जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट करना है यहाँ से। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा आपको ब्राइटनेस। एंड साथ ही साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम एडेप्टिव ब्राइटनेस की वजह से आ रहा है तो जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया उसको फॉलो करें, सॉफ्टवेयर अपडेट करें, ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।